हेलो दोस्तों, आज हम केशवा गांव में जाने वाले हैं। वहां पे शिवलिंग निकला है महासुन के पास, तो आपको चल के वहां का नज़ारा दिखाते हैं किस प्रकार से शिवलिंग निकला है। और लावरा खुर्द में जाएंगे हम लोग। तो आज हम लोग पहुंचने वाले हैं केशवा गांव, जो कि महासुन के पास पड़ता है। वहां पे एक शिवलिंग निकला है, वहीं हम जा रहे हैं अभी मैं और मेरे दोस्त। तो चल के आपको दिखाते हैं किस प्रकार से शिवलिंग निकला है। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में लास्ट तक। थोड़ा सिलो का देखिए गाइस, ये बागबरा पहुंच चुके हैं हम लोग अभी। यहां से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी में महासुन पड़ता है, वहीं पे केशवा गांव पड़ता है। वहाँ पे शिवलिंग निकला है, तो आपको वहाँ चल के दिखाते हैं किस प्रकार से शिवलिंग निकला है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए गाइस, फाइनली हम लोग भीमकोज शहर पहुँच चुके हैं, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। बागबरा के बाद भीमकोज आता है, और यहाँ पे माता खलारी का भी मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। ये भीमकोज शहर है, देख सकते हैं छोटे से एरिया में फैला हुआ है भीमकोज शहर, देख सकते हैं आप। तरह तरह की दुकानें यहाँ लगी हुई हैं। और यहाँ पे माता खलारी का मंदिर जाने का भी रास्ता आपको दिखाऊंगा। देखिए राइट साइड में जो रास्ता बना हुआ है, माँ खलारी माता मंदिर जाने का रास्ता है। देखिए ये गेट बना हुआ है, जो देख सकते हैं आप। यहाँ से भीमकोज शहर खत्म होता है, उसके बाद महासुन शहर जाने का रास्ता चालू होता है। यहाँ से महासुन मात्र 22 किलोमीटर की दूरी में है भीमकोज से। देख रहे गाड़ी आ रहे हैं। देखिए ये माँ खलारी माता का मंदिर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से देखिए पहाड़ के ऊपर है, आप भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ से केशवा जाने का रास्ता चालू होता है, आप भी जाएंगे तो यही रास्ता पकड़िएगा, ये शॉर्टकट है। भाई ये केशवा जाने का रास्ता है, देखिए छोटा गांव में भी शिवलिंग निकला है, तो आपको चल के वहां दिखाते हैं किस प्रकार से शिवलिंग निकला है। यार गांव है, देखिए गाइज यहां से आप सीधा जाएंगे तो केशवा गांव पड़ेगा, वहीं पे शिवलिंग प्रकट हुआ है महादेव का, तो आपको चल के वहां दिखाते हैं किस प्रकार से प्रकट हुआ है शिवलिंग। आप शिवलिंग दर्शन लिखा हुआ है प्रवेश द्वार, तो आप यहीं से जाइएगा शिवलिंग दर्शन के लिए, जो कि केशवा गांव में पड़ता है। यह गांव भी YouTube में फेमस हो चुका है अपने शिवलिंग के लिए। देखिए ये प्राथमिक शाला केशवा लिखा है, देखिए यहीं से आपको सीधा सीधा चलना है शिवलिंग दर्शन के लिए। यहाँ पंडाल लगा हुआ ना, समझ जाना वही। देखा तो दुकान अच्छा लग गया यार। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं केशवा गांव। देखिए जंगल एरिया है, बहुत ही जंगल एरिया में यह गांव बसा हुआ है, और देख सकते हैं आप किस प्रकार से दुकानें सज गई हैं। कैसे निकला ये शिवलिंग, कौन सा गांव पड़ता है, आपका नाम बताओ। ग्राम केशवा है, मेरा नाम संतोष कुमार है। हाँ। और ये जो शिवलिंग निकला है ना, ये 27 तारीख को जैसे बच्चे लोग खेलते खेलते आते हैं ना, हाँ। वो चिड़े उड़े मारते हुए, हाँ। तो उस दिन ना चिड़े उड़े मारते हुए इधर आए, हाँ। ये पूरा झील था यहाँ पर, हाँ।
मतलब यहाँ पर कोई आदमी आ नहीं सकता था। हाँ। ऐसे बच्चे लोग आए थे। हाँ। और 27 तारीख को जैसे आए तो हाँ। देखे कि वहाँ पर से जो नांग जो है यहाँ से हाँ। वो निकला हुआ था। हाँ। और हमारा जो शिवलिंग है हाँ। वो 2 इंच बस दिख रहा था ऊपर। हाँ। और जो नांग जो है वहीं पर था हाँ। और फन फैलाया हुआ था। हाँ। तो बच्चे लोग चिल्लाए कि बहुत बड़ा सांप है करके। हाँ। तो जो खेत जा रहे थे ना उन लोग जैसे हम ही लोग है वहाँ से वापस आए आकर देखे कि वाकई में भाग नहीं रहा था। हम लोग भगाने के बावजूद नहीं भाग रहा था। यहाँ पे नांग निकले थे। नांग यहाँ पर अभी भी है। हाँ पे अभी भी अंदर में है वो जो बिल दिख रहे ना वो। हाँ। अभी भी है वो कभी भी निकल जाता है वो। हाँ। पब्लिक के बीच में भी निकल जाता है किसी को कोई नुकसान नहीं किया है। हाँ। और सुबह भी निकलता है कभी भी निकल जाता है उसको। हाँ। जैसा उस हिसाब से। और ये जब हम लोग जब उसके बाद हम लोग जो चांद लोग को जैसे विचार विमर्श किए तो उन लोग बोले कि पहले खोद के देखो काला सा पत्थर दिख रहा है। तो खुदाई करने के बाद हम लोग को 27 तारीख को माता पार्वती और नंदी भगवान का थोड़े से मूर्त दिखाई दिया हम लोग को। और 28 तारीख को हम लोग को नंदी भगवान का पूरा आकार दिखाई दिया। ये सब 28 तारीख को प्राप्त हुआ है हम लोग को। 27 दिसंबर बोल रहे ना 2022 27 दिसंबर को और 28 दिसंबर को सब चीज प्राप्त हुआ। अच्छा। और ये कौन से भगवान है? ये अभिनव इसका नाम लोग अभी वो नहीं किए हैं उनकरण अभी नहीं किए हैं। हाँ हा। लेकिन बता रहे हैं कि ये कुछ गंगा में है करके। हाँ। कोई अलग बोल रहा है तो हम लोग बोले कि अच्छे से आदमी को जो हाँ। उसको हम लोग बुला करके 14 तारीख को अब इसका नामकरण भी हो जाएगा। अच्छा। और ये खलारी माता बोलते हैं। खलारी माता है ये। खलारी माता है दिनों दिन बढ़ते बढ़ भी रहा है। बढ़ रहा है। और ये भगवान शंकर है। हाँ जी शिवलिंग है वो। ये गौरी शंकर है। पार्वती। हाँ। और ये अपना नंदी। ठीक। महाराज की जय। जो गंगा मैया निकल रहा है हाँ। वो कई जमाने से निकल रहा है। हाँ। इसका बारे में कोई नहीं जान सकता कि पानी कहाँ से आ रहा है कैसा हाँ। आ रहा है। हाँ। ये हम लोग समझते हैं कि अपने जो भगवान भोलेनाथ जी है हाँ। वो अपनी पूरा सब चीज अपने बना के साधन बना के रखे हैं। कहाँ पे है? यहाँ पर अपने चल चल जाकर देखते हैं। ये गंगा मैया है। गंगा मैया है। अच्छा। ये जो है हाँ। 12 महीना यहाँ का पानी कभी निरस्त होते हुए कोई देखा नहीं है। अच्छा। यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ रहता है। हाँ। इसको हम लोग पवित्र कुंड के जल के नाम से भी हाँ। हम लोग नाम किए हैं। हाँ। और ये जल है यहाँ हाँ। पर अभिषेक होता है। अभिषेक हाँ। होने के बाद जो जल को घर में ले जा करके हाँ। कई लोग है जो बता रहे हैं कि जल जो पीते हैं कोई है ना इसको एक दो ऐसा बूंद पी लो और ओम नमः शिवाय 3 बार जाप कीजिए। आपका जो भी मन में जो डिप्रेशन कोई भी चीज का रहेगा या दारू वारू पीने का लत रहेगा वो बिल्कुल आपको आराम मिलेगा। अच्छा। झगड़ा लड़ाई से आपको दूर रखेंगे। अच्छा। ये इतना चमत्कार है। ठीक।